सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD अब्दुल सलाम। तो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लूटूथ ये दोनों तरफ का नहीं बज रहा है, इसको ठीक करने का मैं आपको आइडिया दूंगा। मैं भी, मेरे को भी नहीं आता था, मैं यूट्यूब से देख करके और थोड़ा मोड़ा मेरे को जानकारी इधर उधर कर करके और थोड़ा अपना दिमाग लगा करके मैं सब ये सब सीखा। आप लोग से मैं अपना आइडिया शेयर करता हूँ, ये कोई झूठ या फेक वीडियो नहीं है, पूरा रियल है। नहीं होता तो आप लोग चेक कीजिए, मॉल वाले के पास जाइए, बस पूछिए उसे ऐसा होता है कि नहीं होता, अगर वो मॉल वाला बोलेगा तो सही बोलेगा। देखो, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 150 रुपया दे। आप लोग का वायर यहाँ से कट हो जाता है इसीलिए आवाज नहीं आता है, ये देखना भी कैसा आवाज आएगा। देखो गाइस, ये सोल्डरिंग हो गया है, अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको इससे 110 रुपया बच जाएगा, मोबाइल वाले पास नहीं जाके आपके पास अगर ये सोल्डरिंग मशीन है, फ्लिपकार्ट में ये देखो मैं मंगाया हूँ, फ्लिपकार्ट से ये 300 में मिल जाएगा आपको आराम से। ये आपके पास है, आप आराम से अपना 100 रुपया बचा सकते हो। और मोबाइल नहीं है आपके पास तो आप मोबाइल वाले के पास जाइए, आप उसको आइडिया दीजिए, थोड़ा सा वायर कट करें, वायर कट करके सोल्डिंग करें, आपका हेडफोन ब्लूटूथ पूरा ठीक हो जाए। दूसरा आइडिया आप लोग को दिखाता हूँ, ये बल्ब है, ये बल्ब कभी कभी आपका नहीं चलता है या तो भगभग करता रहता है, ये इसका भी आइडिया है ठीक करने का, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, सोल्डिंग कर लिया हमने, या आप जैसे कि देख रहे हो ये छोटा सा लाइट है, ये वाला इसको मैंने कट करके, ये खराब था, इसको मैं उड़ा करके सोल्डिंग करते हुए यहाँ देख सकते हो। उसके बाद अभी चेक करते हैं कैसा ये जल रहा है, नहीं जल रहा, ये देखो गाइस जलने लगा हमारा लाइट, ये भी रिपेयर हो गया। इसी तरह आप भी अभी मजा आएगा ना, इसको टेस्ट करके आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, आपका बच जाएगा, आप इसको रिपेयर करके लगा सकते हैं। ये नया 100 रुपये का था, खुद ही रिपेयर करके इसको फिर से वापस घर में लगा सकते हैं। तो दो आइडिया हो गया गाइस, मेरा कोई इस सब का कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर देखा हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाया, उसके वजह से मैं ये रिपेयर कर पाया हूँ। नहीं तो ये मेरा 700 का हेडफोन था, लीड था, अभी मैं चेंज करता तो ये मेरे को फिर से 700 रुपया लगता, या तो अभी मॉल वाले के पास जाता तो 150 रुपये करीबन तकरीबन लेता है, मेरे से बोलता है कि ये लीड कर करके इसमें डालना पड़ेगा, ये वेस्ट हो गया, फेंकना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल के। मैं पिछले बार भी ऐसे ही करके मेरा 150 रुपये तकरीबन ले लिया पैसा, इस बार मैं चेक किया मेरे से हो गया, इसलिए ये आइडिया मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग के पास अगर सोल्डिंग मशीन है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं सोल्डिंग मशीन में, फ्लिपकार्ट पर 300 का मिलेगा आप लोगों को, खुद ही कर सकते हैं। काम नहीं है आप मोबाइल वाले के पास जाकर उसको आइडिया बताइए, ऐसे बात कट करना है, बात कट करके ऐसा ये सभी करना है, उसके बाद आपका पैसा बच जाएगा, उसको बताएंगे वो करके दे देगा वही एयरफोन। थैंक यू गाइस, अभी दिखाता हूँ एक बार, बताता हूँ मिक्सर जो मसाला पीसते हैं वो कभी कभी आपका चलते चलते बंद हो जाता है, रुक रुक के चलता है, उसका क्या है 4 बोल्ट खोल करके, स्क्रू खोल करके आपको चेक करना है, कार्बन आता है, कार्बन चेक करना है उसमें है या नहीं है, अगर कार्बन अक्सर मिक्सर में यही होता है
कि कार्बन नहीं होने की वजह से रुक रुक के चल जाए, तो आप लोग कार्बन चेंज कीजिए। आप लोग को इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, कार्बन चेंज कीजिए और कार्बन चेंज करके आपका मिक्सर राउंड हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आपको अच्छी लगी तो ऐसे